वेलकम दोस्तों, आज हम एंडी भट्ट सर की बुक का एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन 4 का सीरियल नंबर 15 करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसमें भी सेम है, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया हुआ है, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्जन, और इस ऑर्थो में जो भी मिसिंग लाइन है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, देखिए, एक बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखने में वो समझ में आ नहीं रहा है ना, तो उसको मैं बना के आप लोग को बताता हूँ। एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में कैसा किया है, देखिए, अगर आप लोग इसको ऐसा देखेंगे तो इसके जो पीछे वाले डायमेंशन, जो हिडन डायमेंशन है, वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट देखिए, मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, और वो भी डार्क में। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ऑफसेट पॉइंट, मिड सेंटर से थोड़ा सा ऑफसेट पॉइंट ले रहा है, और वहां पे क्या कर रहा है कि देखिए, यहां से ये लिया और यहां से ये लिया, ठीक है, और यहां से इसने ऐसा लिया और यहां से इसने ऐसा लिया, और इतने पीस को काट के इसने ये वाले पीस को काट के निकाल दिया। सिमिलरली इसने यहां किया, ये वाला पॉइंट और ये पीछे वाला कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो ये यहां पे हमको दिखाई देगा नहीं, इसको हम डॉटेड में बना देते हैं, ये डॉटेड में बन गया। ठीक है, और बाकी को हम डार्क कर देते हैं, ब्लैक से डार्क कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा निकल के सामने आ चुका है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, ये निकल के सामने आ चुका है। अब आप लोगों की इमेजिनेशन पावर में कि आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, कि ये कितना क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो इसके कॉर्नर्स हम मार्क कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इतने कॉर्नर। ठीक है, अब ये अनवांटेड चीजों को अगर आप मिटाना चाहो तो आप इसको मिटा सकते हो। तो मिटाने के लिए ये देखिए, मैं मिटा के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो अब ये मिटने के बाद देखिए, आप लोगों को पोजीशन एकदम क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट किस तरीके का है। ये ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड में से हमने निकाला है और ये ऑब्जेक्ट किस तरीके का है। ठीक है, अब इसको यदि हम इधर फ्रंट से देखेंगे, इसको हम ऊपर टॉप से देखेंगे और इधर साइड से देखेंगे, ठीक है, तो ये किस तरीके का दिखाई देगा। तो फ्रंट से अगर हम देख रहे हैं, देखिए फ्रंट से अगर हम देख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट जितना ऑफसेट था यहाँ मार्क कर लो आप, और ये वाली टेपर लाइन जो जा रही है आपको फ्रंट में डॉटेड में दिखाई देगी। ठीक है, और ये वाली लाइन जो बैक वाली फेस पे जा रही है, ये भी आपको डॉटेड में दिखाई देगी। ठीक है, जो कि हमारे एंडी भट्ट सर की बुक में नहीं दिखाया हुआ है, तो ये पहला करेक्शन हुआ, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, फर्स्ट करेक्शन। ठीक है, उसके बाद आप टॉप व्यू देख लीजिए। टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में आप यही पॉइंट को पकड़ लीजिए, ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाली टेपर लाइन दिखाई देगी, ये टेपर लाइन दिखाई दे रही, ये वाली टेपर लाइन दिखाई देगी, ये टेपर लाइन आपको दिखाई दे रही। सो टॉप व्यू इज ऑलमोस्ट करेक्ट, ऑलमोस्ट नो, इट इज 100% करेक्ट। ओके, देन साइड व्यू, ये साइड व्यू में एंडी भट्ट सर की बुक में ये डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है। डॉटेड लाइन दिखाया मतलब पीछे की जो कट ऑफ लाइन गई है इसको डॉटेड में दिखाया हुआ है, लेकिन हमारा क्वेश्चन, हमारा सोचना ये है कि ये फ्रंट में भी तो कट ऑफ लाइन है, सो इट शुड नॉट बी डॉटेड, इट शुड बी ए कंप्लीट डार्क लाइन, कंटिन्यूअस लाइन। पीछे वाली जो हिडन लाइन है वो इसमें छुप जाएगी, पीछे वाली जो है डॉटेड लाइन है वो उसमें छुप जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड करेक्शन, दिस इज योर फर्स्ट करेक्शन एंड दिस इज योर सेकंड करेक्शन। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच।